आपका परिचय दीजिए। मैं शिवानी जनार्दन शर्मा हूँ, वार्ड नंबर 19 की कांग्रेस उम्मीदवार। 7 दिन से आप प्रचार में निकले हो, लोग को क्या प्रतिसाद देते हैं? 7 दिन से हम प्रचार में निकल गए तो लोग बहुत परेशान हैं कि वहाँ पे उनको पानी की प्रॉब्लम हो रही है, उनके वहाँ साफ पानी नहीं आ रहा है। इवन रोड भी आधी अधूरी बनाकर छोड़ दी है उन लोगों ने, तो उससे भी बहुत परेशान है। आपने वजह जानने की कुछ कोशिश की ये रोड आधी अधूरी छोड़ देने की का कुछ? वो तो भाजपा वाले भ्रष्टाचार करेंगे तो यही होगा ना कि उन्हें रोड बना दी, उन्हें पैसे कमाने हैं, तो इसलिए इलेक्शन के टाइम पे वो लोग रोड बना रहे कि लोगों ने वोट दे, इसलिए उन लोगों ने आधी अधूरी बना के इसलिए छोड़ दिया। आप इलेक्शन जीत जाओगे तो पहला काम क्या करोगे? इलेक्शन जीतने के बाद पहले जो लोगों की मूलभूत समस्याएं उन्हें दूर करेंगे, जैसे पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है वो, और रोड है जो आधी अधूरी बना के छोड़ दिए, उसे हम पूरा करेंगे। आप युवा हो, शिक्षक और बेरोजगार के लिए क्या करोगे? शिक्षक के हिसाब से तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, हम लोग के मम्मी पापा भी उन्हीं से पढ़े हैं और आज वो लोग CA और ये सब है, तो जितनी हमसे कोशिश बनेगी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से बनाएंगे और कंप्यूटर्स लगाएंगे और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी वो गवर्नमेंट स्कूल में देने की कोशिश करेंगे।